शहंशाह आजम जारी भाई साहब, तलवार कहाँ है आपका? बाकी भाई साहब यहाँ से एंट्री पॉइंट है मलिमा टेम्पल के लिए, और यहाँ पे भाई साहब नशेबाजों के लिए जो है दारू दुकान भी भाई साहब, विस्की बियर वोडका सब मिल जाएगा आपको। हमारी यहाँ का स्पेशल फूड है, अच्छा हिमाचल का स्पेशल है ये। अच्छा आप खड़े हो बहुत मनुष्य की बात। You, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. देखते हो और भी क्या मिलता है आगे, तो लेडीजों को सामान नहीं है मैक्सिमम। हम लोग आ चुके हैं वैसे अपने तीसरे पॉइंट पे जो कि है वन विहार आ चुके थे, जो भैया जा चुके हैं ये कह रहे हैं कि तीन पॉइंट एक ही साथ में। दोस्तों तो हम लोग आ चुके हैं अपने फोर्थ डेस्टिनेशन जो कि है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भाई साहब। तो वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई चैनल सफर विद पॉल। और हम इस टाइम मनाली, वो भी मनाली में है, आपको पता ही भाई साहब हम लोग आ गए थे मनाली सुबह ही वोल्वो से। आपको पता है कि हमने पैकेज लिया था, हमारे पैकेज में सारा कुछ इंक्लूडिंग था, हमने वोल्वो का फेयर वेयर जो भी था, आना जाना खाना पीना सब। इस होटल में हम रुके हुए हैं, इसकी वीडियो भी आपने देखी हुई है। बाकी आपको बता दो कि भाई साहब ये जो गाड़ी खड़ी ना, इस गाड़ी से हम तीन दिन तक साइट सीइंग करेंगे, वो भी हमारे पैकेज में इंक्लूडिंग है, 15,000 में सब कुछ है। तो बस इस गाड़ी को अभी आने दीजिए, मैडम आ रही है, गाड़ी में बैठते हैं साइट सीइंग कराएंगे। आज पहला डे वन रहेगा, तो डे वन की अलग वीडियो है, डे टू की अलग वीडियो, डे थ्री अलग वीडियो। तो फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हो, मैडम भी आ चुकी है गेट से बाहर, देख सकते हैं। बस गाड़ी में बैठते हैं और डे वन में कहाँ कहाँ जाएंगे वो दिखाते हैं। हाँ। और वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का, लाइक सब्सक्राइब पक्का कर देना। 2-1 कर दो। चलते हैं अंदर की तरफ फटाफट। हम लोग दोस्तों बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में, ऑल्टो कार आई है भाई साहब, और अभिषेक भैया आए हैं और तीन दिन तक यही रहेंगे हमारे साथ। आज हम लोकल साइट सीइंग कर रहे हैं। बाकी अभी जा रहे सबसे पहले हम हडिम्बा टेम्पल। यहाँ से कितना दूर है अभिषेक जी हडिम्बा टेम्पल? 7-8 किलोमीटर। मतलब मान लीजिए आप हडिम्बा टेम्पल का पहला हम लोग स्पॉट देखने जा रहे हैं, वो 7-8 किलोमीटर है हमारे होटल से। आ चुके हैं अपने पहले पॉइंट पे हडिम्बा टेंपल में। गाड़ी गुड़ी पार्किंग व्यवस्था यहाँ पे है पूरी, अगर आप फोर व्हीलर से आ रहे हो तो ऐसी पूरी बड़ी पार्किंग है, अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकते हो भाई साहब। 100 रुपये पार्किंग के फीस लगते हैं यहाँ पर। फोटो का 50, राइड का 200। ऊपर बैठ गए, फोटो का 50 खिंचा सकते हैं। आ जाए पहले मंदिर से, आ जाए, चलिए चलते हैं आप लोग लेकर चलते हैं अंदर, दिखाते हैं भाई साहब हडिम्बा टेंपल का। भाई साहब ये सारी चीज़ें भी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। भैया हम पहले पॉइंट पे आ चुके हैं, एंट्री बिल्कुल फ्री है यहाँ पे, कोई चार्जेस नहीं लगता। बाकी गाड़ी से अगर आ रहे हो तो गाड़ी पे आपको 100 रुपये पार्किंग फीस लगते हैं। बाकी इधर मंदिर, मंदिर की एंट्री आगे से है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मंदिर के अंदर जो है ना वीडियोग्राफी फोटो अलाउ नहीं है, तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा। कभी आप आइए पर्सनल दर्शन करिए भाई साहब, हम भी जा रहे दर्शन करके आगे फिर मिलते हैं आपसे। बाकी भाई साहब यहाँ से एंट्री पॉइंट है हडिम्बा टेम्पल के लिए, बाकी हम हाँ वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो हमने दर्शन कर लिए लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको दिखा नहीं पाए। ये देखिए भाई साहब हमारी गुड़िया ने जो है इसको क्या याक बोलते हैं ना, क्या ये याक है भाई, इसकी राइड कर रही है। 100 रुपीज़ लिए भैया ने, नहीं नहीं ये नहीं जाएगी, तो एक ही राइड कराओ, एक राउंड लगवा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए भाई साहब गुड़िया ने जो है ये ले, रैबिट है ये भाई साहब, साइज तो बहुत तगड़ा है। इसका नाम टुंग चुंग। हाँ देखना गिराना देना गुड़िया। बाकी भाई साहब बच्चों के लिए बढ़िया जगह है यहाँ पे खेलने कूदने के लिए भाई साहब, यहाँ पे देखिए गेम गूम है, बच्चों की राइड बर्ड करने के लिए याक है जैसे हमारी बेटी ने कर लिया। बाकी रैबिट पकड़ के फोटोग्राफी कर सकते हैं। बाकी भाई साहब हडिम्बा टेम्पल के बाद इस तरह की आपको मार्केट ही मिल जाएगी भाई साहब, जिसमें वुलन क्लोथ स्लोथ भी ले सकते हैं, आपका टोपा टापी मफलर सफलर और ये पोंचू चोंचू सब लगा हुआ भाई साहब इसमें। ये देखिए 200 रुपीज़ में क्या चीज़ है ये, ये खाने पीने की व्यवस्था भाई साहब आता है यहाँ पे, देख लीजिए आप मैगी मूगी जो है ये सब खा सकते हैं। बाकी ये जो है गिफ्टिंग का आइटम बहुत सारे यहाँ पे। देखिए भाई साहब ये लोग जुट चुके हैं फ्रिज मैगनेट लेने के लिए, मतलब ये जहाँ जाती है वहाँ से मतलब एक याददाश्त एक सोविनियर ले लेती हैं, ताकि पता चल जाए कि हम लोग यहाँ जगह घूम चुके हैं। हडिम्बा टेम्पल में चले गए, हडिम्बा जी का दर्शन भी कर लिए, अब जा रहे सेकंड डेस्टिनेशन जो कि रहेगा क्लब हाउस में। यहाँ से कितनी दूर है अभिषेक जी? यहाँ से करीब 5 किलोमीटर है, मतलब 15 मिनट लेगा पहुँचने में, नहीं 15 मिनट पहुँच जाएंगे। हम लोग अभी आ चुके हैं भाई लोग अपने दूसरे डेस्टिनेशन द क्लब हाउस मनाली।
ये हिमाचल गवर्नमेंट का है, जिसके अंदर कुछ आप हैंडलूम का सामान सुमान मिल जाएगा, हैंडमेड काम को मतलब मिल जाएगा, और कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने को मिल जाएंगी। चल के देखते हैं क्या टिकट टुकट भी लगते हुए आपको दिखाया जाएगा। बाकी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है, अब ये नहीं पता यहाँ पे कितने की पार्किंग है। बाकी पार्किंग अच्छी जगह का पड़ता है भाई साहब 25 रुपये पर एडल्ट और 10 रुपये 10 साल से कम के बच्चों का, तो हमको लगेगा 2.5 टिकट, तो मतलब 60 रुपये हमको देने पड़ेंगे टोटल। टिकट ले लिया भाई साहब, और आपको बता दो मैंने पीछे भैया जो काउंटर बैठे थे टिकट दे रहे थे ना एंट्री का, उनसे पूछा तो पार्किंग यहाँ फ्री है, पार्किंग कोई चार्जेस चुर्जेस नहीं पड़ता, अपनी गाड़ी चाहिए फ्री में अपना घूमिए, एंट्री का टिकट पड़ेगा। बाकी एंट्री में आपको कुछ इस तरह की दुकानें मिल जाएंगी, हिमाचल गवर्नमेंट का ये सारा कुछ। बाकी हैंडलूम का काम हम यहाँ है व्यवस्था। यहाँ पे देखिए मिल जाएगा आपको जैकेट्स का कलेक्शन है, क्या आ गए वहाँ से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से, और यहाँ पे भी आपको जो है कपड़े कपड़े खरीदने की व्यवस्था मिल जाती है सारी। यहाँ पे जो है होजरी का सामान है, गर्म कपड़े हैं भाई साहब, सारे गर्म कपड़े आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। क्लब हाउस है, हम लोग उस पुल से उतर के आए हैं, और इधर आके आपको एक फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं, यहाँ के लिए पॉइंट बना हुआ। यहाँ से सामने से एक व्यास नदी बह रही भाई साहब, ये देखिए तो लोग यहाँ पे उतरे भी हो, सामने जो है जिप लाइन भी हो रही है वो भी देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ पे नीचे उतर के अपने पानी में भी इंजॉय कर सकते हैं एट योर ओन रिस्क। ये आराधा पॉल खूब मस्ती कर रही भाई साहब मनाली में आके, हमने 2 पॉइंट कवर कर लिया है, एक हडिम्पा टेम्पल कवर कर लिया है और एक क्लब हाउस कवर कर लिया है, और अब देखते हैं भैया हमको तीसरी जगह कहाँ ले जाते हैं। हम लोगों ने भाई साहब 2 पॉइंट कवर कर लिए, अब हम जा रहे हैं वन विहार और तिब्बतन मॉनेस्ट्री, दो के आस पास ही है, तो उसको आप तीसरा और 14 पॉइंट काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद हम सीधे फिर मॉल लौटे जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं वैसे अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि है वन विहार। वन विहार आ चुके हैं तीसरे, भैया जा चुके हैं, ये कह रहे हैं कि 3 पॉइंट एक ही साथ में, वन विहार हो गया, एक तिब्बतन मॉनेस्ट्री है और एक मॉल रोड तो है यहाँ पे। हाँ ये वन विहार है, इसके साथ ही 2 पॉइंट और है, तो सारे कवर करके भैया को फ़ोन करेंगे, भैया यहीं से हम पिकअप कर लेंगे। चल के आपको दिखाते थोड़ा वन विहार भाई साहब। बड़ों का 50 रुपये है, बच्चों का 20 रुपये पर चाइल्ड लगा है, बिलो एट ईयर्स। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पड़ेंगे हमको टोटल 120 रुपये। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आपका विस्परिंग जोन, मदर ट्री पॉइंट, मेडिटेशन जोन, आउटडोर जिम, वॉशरूम, शूटिंग पॉइंट। क्या भाई साहब ये नहीं, ये देखिए गुड़िया हमारी झूल रही है यहाँ पे, और सामने भी सारे बच्चों के झूलने झालने के सामान रखे हुए देख सकते हैं पूरा एकदम। मतलब मनाली को जो है मेन फोकस बच्चों के लिए किया गया भाई साहब, छोटे बच्चों तो यहाँ लेके आइए, मज़ा आ जाएगा उनका भाई साहब। शूटिंग वोटिंग भी कर सकते हैं भाई साहब, लेकिन हम लोग नीचे तक नहीं जाएंगे क्योंकि अभी इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ेगी, अभी चढ़नी ही पड़ेगी, तो नहीं चलते फिर नीचे, ठीक है आगे देखते और क्या व्यवस्था है। चलो को जो है वन विहार को स्किप भी मार सकते हो, क्योंकि कुछ है नहीं फायदे, पेड़ पौधे हैं और बच्चों को जो खेलने कूदने सामान नीचे बोटिंग का है और बाकी चीज़ें कुछ है नहीं खास, तो चाहो तो उसको स्किप मार देना, हमें पता नहीं था, लेकिन चलिए आप लोगों के लिए हो गया एक एग्जाम्पल सेट कि यहाँ पर आना वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ टाइम भी है। तो चल के निकलते हैं, अब चाह रहे हैं हम लोग मॉनेस्ट्री, तिब्बतन मॉनेस्ट्री की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे मॉल रोड, वो आज का दिन हमारा फिनिश हो जाएगा, होटल पहुंच जाएंगे और ये वीडियो यहीं तक ख़त्म कर देंगे। कल सेकंड डे, कल वाला दिन बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हम जाएंगे सोलंग वैली और जाएंगे अटल टनल भाई साहब, वो बहुत दिनों से हमारी देखने की इच्छा थी तहे दिल से, जो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आज कल वो इच्छा पूरी कर लेंगे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने फोर्थ डेस्टिनेशन, जो कि है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भाई साहब, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, अभी चल के देखते हैं अंदर किस तरह की है। बाकी पूरा बुद्धिज़्म का ये जो फ्लैग फ्लोग है ये ज़रा लगा हुआ है। ये देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पे जो है मॉन्क शायद यहाँ बैठते हैं, हम लोग पाठ वाठ करते हैं उसके लिए, पूरा प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है। बाकी आपको बता दूँ ऐसे आप दर्शन कर सकते हो आके, लेकिन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए 20 रुपीज़ देना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आप लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर भाई साहब, देखते क्या व्यवस्था है। अच्छा जी, आप कुछ करीब से दर्शन कर लीजिए भाई साहब बुद्धा जी के, एकदम नज़दीक से। और करंट टाइम देख लीजिए भाई साहब 2:30, 2:30 बज चुके हैं, और हम लोगों ने अपने 4 पॉइंट करीब कवर कर लिया है। कौन कौन सा कवर किया, हडिम्पन टेम्पल, फिर उसके बाद वन विहार
और एक ये आ गया मॉनेस्ट्री और यहाँ क्लब हाउस। तो अब पांचवी जगह चल रहा है वो है मॉल रोड। ये ले लिया भाई साहब हमने सिज्जू, ये आपको मॉनेस्ट्री के बाहर मिल गया। आंटी बेचती है बढ़िया। देखो सर ये सिज्जू है, ये हमारे यहाँ का स्पेशल फूड है, हिमाचल का स्पेशल है ये। अच्छा आप खड़े हो बहुत मॉनेस्ट्री के बाहर मंजू आंटी के पास, खाइए टेस्ट कीजिए। इसका रेट क्या बता दो एक बार। इसका रेट डिफरेंट डिफरेंट रहता है, अखरोट और खसखस वाला है तो 100 रुपए है इसका। अच्छा ये 100 रुपीज़ का। हाँ जी, अगर जैसे दाल वाला बनाना हो तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, अगर प्योर अखरोट वाला बनाना हो तो और ज्यादा। मतलब सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। खसखस और ज्यादा महंगा है। खाकर ठीक है खाने में ना, ज्यादा स्पाइसी नहीं है, अच्छा है, बढ़िया टेस्टी लगा खाने में, अच्छा है भाई साहब। हमने खा लिया एक पीस, खाया खाकर अच्छा लगा, बच्चों के लिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल, मतलब कोई नुकसान नहीं करेगा, ये चीज़ें हेल्दी चीज़ है, मतलब ना हेल्दी है। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मॉल रोड ऑफ मनाली आराध्या पॉल। देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं भाई साहब क्या क्या चीज़ें मिलती है, आपको दिखाते हैं। ये लोग भी सब ले लो कर रहे हैं, देखते हैं क्या लेते हैं। बहुत सामान है, खाने पीने की व्यवस्था आ गया है, कपड़े लत्ते गिफ्टिंग का सामान वामान फ्रिज मैगनेट सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर। बाकी ये खाने पीने की व्यवस्था देखिए, आशियाना एक ये पीछे ये बालाजी का स्टोर, और यहाँ पे भाई साहब नशेबाजों के लिए जो है दारू दुकान भी, भाई साहब विस्की बियर वोडका सब मिल जाएगा आपको भाई साहब। ये सब चीज़ें जो है ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको सफर विद पॉल मिलेगी भाई साहब, और कहीं नहीं मिलेगी। पीछे देख सकते बढ़िया दुकान है, शिवास लिखा है, यहीं से मिलेगा आपको सामान। बाकी आप देखते हैं आगे क्या मिलता है। बाकी देखिए लेडीज़ वाला सामान है, ये लेने चली गई है। क्या ले रही हो तुम ये क्या चीज़ है ये पोंचू? हाँ 200 का तो सही दे रही है। तो पता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो उन्होंने भैया एक केक ले लिया वो शेरे पंजाब पीछे, और उन्होंने भाई साहब ये 8-in-1 सॉफ्टी लिया है। तो भाई साहब चाय की चुस्की के साथ मनाली का डे वन हम खत्म कर रहे हैं। आई होप कि आपको पहली जो डे वन आपको अच्छी लगेगी, बढ़िया लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और डे टू के लिए स्टे ट्यून्ड। कल जाएंगे भाई साहब सोलंग वैली और जटल टनल। माहौल देखिए, नज़ारा देखिए भाई साहब, हाथ में चाय कप भाई, कुल्लड़ वाली हो भाई साहब, बारिश चल रहा है मनाली के अंदर, और क्या चाहिए। तो दिल्ली नोएडा गुड़गांव नहीं है भाई साहब, ये बड़े खड़े हैं मनाली के अंदर मॉल रोड में, चाय हाथ में, और भाई साहब ये बारिश, मज़ा आ गया भाई साहब, तबीयत हरी हो गई हमारी। अगली वीडियो के लिए जरूर वेट करेगा, स्टे ट्यून्ड फॉर मनाली डे 2।